दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मस्ती। आज के वीडियो में जानेंगे कोशिका क्या है और इसका खोज कब किया गया था। आइए दोस्तों जानते हैं कोशिका क्या है। कोशिका जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक क्रियात्मक को फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज है ना, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका को रॉबर्ट हुक ने कॉक को काटकर सूक्ष्मदर्शी से देखा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को है ना कॉक को काट कर है ना सूक्ष्मदर्शी से देखा, जैसे माइक्रोस्कोप से उसको देखा। तो है ना इसमें अनेक चेंबर है ना, इसमें ना अनेक चेंबर दिखाई दिए। इसी चेंबर को है ना कोशिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉक सब्बर नामक वृक्ष से है ना वृक्ष से प्राप्त होता है। रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका या नॉन लिविंग सेल का अध्ययन किया। सोलह सौ चौहत्तर ईस्वी में एक
लीवन हुक ने, लेवन हुक को है ना, हुक को फादर ऑफ बैक्टेरियोलॉजी लॉजी कहा जाता है। सोलह सौ चौहत्तर ईस्वी में ना ए बी लीवेनहॉक को है ना फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। सबसे छोटी सेल आपको है माइक्रोप्लाज्मा गैलियो सेप्टिकम नामक है ना जीवाणु है। और सबसे बड़ा कोशिका किसका है, सबसे बड़ा कोशिका है ना, सबसे बड़ी सेल है आपको है ना शुतुरमुर्ग का है ना, शुतुरमुर्ग क्या है ना सबसे बड़ी कोशिका इसमें पाया जाता है। शुतुरमुर्ग के अंडा में सबसे बड़ी कोशिका है ना पाया जाता है, अंडा में सबसे बड़ी कोशिका है ना शुतुरमुर्ग के अंडा में है, ठीक है। और इसमें है जैसे 170 mm गुने 135 mm है ना इसमें पाया जाता है। शुतुरमुर्ग के अंडा में है ना सबसे बड़ी कोशिका पाया जाता है, जैसे 170 mm से 135 mm के बीच है। और मनुष्य के शरीर में है ना सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है जिसको न्यूरॉन कहते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे बड़ी कोशिका आपको है ना अंडाणु है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है ना अंडाणु है। कोशिका का है ना जो दो जर्मन वैज्ञानिक है ना कोशिका का दो जर्मन वैज्ञानिक स्वान 1839 में एवं सिल्ड्रेन 1838 ईस्वी में है ना कोशिका सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत दिया जो इस प्रकार है, जैसे सभी जीव है ना कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी जीव कोई भी जीव होता है जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया, सभी जीव है ना कोशिका से ही मिलकर बना होता है। और नेक्स्ट है प्रत्येक जीवों की उत्पत्ति है ना कोई भी जीव हो जिसकी उत्पत्ति है ना कोशिका ही से होता है। और नेक्स्ट है प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप में स्वतंत्र होता है, ठीक है। और किंतु सभी सभी है ना मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं। प्रत्येक कोशिका है ना स्वतंत्र है और सभी मिलकर है ना किसी कार्य को क्या करते हैं संपन्न करते हैं। और नेक्स्ट है प्रत्येक कोशिका में है ना क्या होता है केंद्रक होता है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, केंद्रक होता है जो कोशिका के सभी कार्यों को क्या करता है नियंत्रित करता है। दोस्तों आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।